जय भीम साथियों, गोवा के मेलोली गांव के आदिवासी लंबे समय से भाजपा की गोवा सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए उनकी जमीन को छीनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे ही आदिवासियों का प्रदर्शन तेज हुआ, कई वीडियो वायरल हुए जिसमें दिख रहा है कि कैसे पुलिस जोर जबरदस्ती से प्रदर्शनकारियों को हटा रही है उनकी जमीन से, हटा रही है उनको प्रदर्शन करने से। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोवा पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज तक किया, खासकर आदिवासी महिलाओं पर। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे भारी संख्या में पुलिस मौजूद है गांव में, और वो भी ऐसी पोशाक में जो लाठी चार्ज के समय पहनी जाती है। आदिवासी लोग अपनी भूमि पर बैठे हैं, लेटे हैं और नारे दे रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि गोवा सरकार ने उनसे परामर्श किए बिना 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय ले लिया, ऐसी भूमि जिस पर वह अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। मेलोली पंचक्रोशी ग्राम बचाओ आंदोलन के सह संयोजक शुभम ने मीडिया को बताया कि पुलिस को विवादित भूमि में प्रवेश करने से रोकने के लिए महिला प्रदर्शनकारियों ने विरोध क्षेत्र की सीमा पर सोने का निर्णय लिया। पुलिस ने पहले 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के लिए समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रदर्शनकारियों ने यह कहते हुए पुलिस के तुष्टीकरण को खारिज कर दिया कि सरकार ने ग्रामीणों के कई सारे पत्रों को नज़रअंदाज किया है। पुलिस ने फिर सर्वेक्षणकर्ताओं को पीछे से क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस पर आदिवासियों ने कहा कि वे इलाके से पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार पुलिस कर्मियों ने जमीन पर लेटी महिलाओं पर पथराव किया। अन्य प्रदर्शनकारी पुलिस को रोकने के लिए आगे आए। पुलिस ने आंसू गैस के हमलों का जवाब दिया, जिसमें से एक शुभम को भी लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार पुलिस का ऐसा हमला देखा है। वरिष्ठ उम्र की महिलाएं जो सबसे आगे थीं, बेहोश हो गई। कई सारे प्रदर्शनकारियों को खरोचे आई और सांस फूलने लगी। अभी के लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे धकेल दिया है। भारत के पश्चिमी घाट में स्थित मेलोली गांव पर्यावरण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण जंगल गांव है। इसके आसपास 3 बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। पिछले 2 महीनों से मेलोली के 700 गोड़ा समुदाय के आदिवासी अपनी भूमि की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां वह काजू की खेती करते हैं। एक्टिविस्ट अभिजीत प्रभु देसाई का कहना है कि सरकारी अधिसूचना के मुताबिक भी ऐसे पर्यावरण से जुड़े संवेदनशील जगहों में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं किया जा सकता। पर्यावरण के साथ साथ यह आदिवासियों की भूमि और आजीविका छीनने का भी बड़ा मुद्दा है। गोवा पुलिस ने मीडिया को बताते हुए दावा किया कि आदिवासियों ने क्षेत्र में सूखी घास में आग लगाकर हाथापाई शुरू करी। पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों पर हिंसा भड़काने के आरोप में FIR भी दाखिल करी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि अगर गांव वासी चाहें तो वे उनसे आकर मिल सकते हैं, वे बात करने के लिए तैयार हैं। पर्यावरण संवेदनशील गोवा में ये एक मामला नहीं है। इस भाजपा सरकार में कई ऐसी और योजनाएं भी हैं जिसके खिलाफ विरोध लंबे समय से चल रहा है। हाल ही में लोगों ने गोवा की मौलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रहे रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। हमारा कहना है कि विकास के लिए हमेशा आदिवासियों की जंगल और जमीन ही क्यों छीने जाते हैं? कहीं और बंजर जमीन क्यों नहीं ले लेती सरकार, वो भी ऐसे IIT बनाने के लिए जो आदिवासी छात्रों को ढंग से दाखिल भी नहीं करती। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको इस वीडियो के बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में, विरोध के बारे में सबको बताइए, ताकि हम इन आदिवासियों को सपोर्ट कर सकें, देश भर में इन आदिवासियों की आवाज़ गूंज सके, ये बात, ये मुद्दा फैल सके। आप ऐसी खबरों के लिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए द शूद्र चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप चाहें तो हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ भी एक्टिव रहते हैं। जय भीम साथियों।